हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की एलटी और प्रवक्ताओं की नई वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर विषयवार दिखाने वाला हूँ मैं आपको, और साथ में यहाँ पर इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, और एलटी और प्रवक्ता दोनों की वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ इसमें। तो काफ़ी अच्छा मौका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, कैसे आपको फॉर्म मिलेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारा कुछ प्रोसेसिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बताने वाला हूँ, सारा कुछ तो देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू वैकेंसीज के बारे में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लेना, और वीडियो को जो है शेयर कर देना ताकि अपने दोस्तों को भी शेयर हो सके। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी आपकी निकल के आ रखी है, आपका आर्या कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज जो कि रुड़की में है, हरिद्वार में है, और इसमें आपकी सैलरी बिल्कुल गवर्नमेंट की जैसी है। ये आपकी शासकीय स्कूल की वैकेंसीज हैं, और अब तक की जो आपकी शासकीय स्कूल की वैकेंसी देखी होंगी आप काफ़ी कम देखी होंगी, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका रूल और रेगुलेशन जो है चलता है आपका इंटरव्यू बेस पर होता है। टॉप 7 कैंडिडेट की लिस्ट निकलती है, जब आपका चयन होता है वो आपका इंटरव्यू बेस पे चयन होता है, और आपका जो है फॉर्म भरने के बाद टॉप 7 कैंडिडेट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, आपका चयन होगा। और इसमें प्रोसेसिंग आपका इस तरह का है, इसका नोटिफिकेशन आपका निकाल दिया गया है। इसमें आप लोग देखिए दोस्तों, प्रवक्ता का देखिए दोस्तों, एक तो कला की पोस्ट है, विषयवार बताने वाला हूँ, यहाँ पर कला की प्रवक्ता की है, और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं, राजनीति विज्ञान के हैं, अनुसूचित जाति के कैंडिडेट है, एक पोस्ट है, एक पोस्ट आपका सामान्य कैंडिडेट के लिए है, रसायन विज्ञान का, कोई भी भर सकता है इसमें सामान्य में। अच्छा, यहाँ पर आर्थिक रूप से, तो यहाँ पर देखिए EWS लिखा गया है, तो सामान्य से है वैसे, और EWS कैंडिडेट यहाँ पे, ठीक है। और मनोविज्ञान का है, एक पोस्ट है, सामान्य जाति का कोई भी अप्लाई कर सकता है इस पर। ये आपकी चार पोस्ट होगी जिसमें प्रवक्ता निकली है, नहीं तो आपको अभी तक एक या दो या तीन चार पोस्ट निकलने को मिलती हैं। और LT में देखिए कितने सारे पोस्ट निकल के आ रखी है इस बार। तो हिंदी में अगर बात करूँ, अनुसूचित जाति के कैंडिडेट का है एक पोस्ट है, सामान्य का है, सामान्य जाति का है, अंग्रेजी की दो पोस्ट हैं, तो अंग्रेजी के दो पोस्ट निकली हैं यहाँ पर सामान्य जाति के लिए, इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। मेन चीज़ आपके महिला अभ्यर्थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया सब महिला अभ्यर्थी, तो सिर्फ मेल कर नहीं कर सकते, फीमेल कर सकते ओनली, ठीक है। तो महिला करके आया हुआ है, तो इसी वजह से महिला अभ्यर्थी का होगा। और साथ में संस्कृत का है, सामान्य कैंडिडेट है, एक पोस्ट है, संस्कृत का है, EWS के अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक दो पोस्ट हैं, एक तो आपका सामान्य जाति का है, और एक जो है आपका EWS कैंडिडेट का है, यानी कि टोटल दो पोस्ट आपके रहेंगे, देखिए, ठीक है। संस्कृत दो पोस्ट हैं, मैथ्स की भी आ रखी हैं, मैथ्स की भी आपकी टोटल दो पोस्ट हैं, एक तो आपका सामान्य का है और एक आपका अनुसूचित जाति का है। उसके बाद अगर विज्ञान की बात करें, विज्ञान का भी एक पोस्ट है, और एक सामान्य का पोस्ट है, और एक आपका अनुसूचित जाति का कैंडिडेट का, टोटल दो पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का, SST का है, अनुसूचित जाति का एक पोस्ट है, और EWS का एक पोस्ट है, टोटल दो पोस्ट हैं। अगर टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टोटल 15 पोस्ट यहाँ पर निकल के आई हैं, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा शासकीय स्कूल की वैकेंसीज हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 4 इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। और अब तक की जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, इनके लिए आप अप्लाई करें। LT के लिए देखिए दोस्तों, LT के लिए आपका सेम वही है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और रूल और रेगुलेशन में आपका सैलरी सेम मिलती है, ठीक है। सिर्फ नाम का शासकीय है, गवर्नमेंट ही पे करती है, सब कुछ गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट की वैकेंसीज है समझ लीजिए, ठीक है। बस इनका सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलेगा, सैलरी भी वही मिलेगा जो आपका सरकारी स्कूलों में मिलती है, और LT में भी सेम सैलरी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या है कि सेकेंड टेट होना कंपलसरी है, आपके पास UTET हो चाहे CTET हो LT के लिए, और इन सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, इंटर में आपके पास संस्कृत होना चाहिए, या ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, तभी आप हिंदी वाले अप्लाई कर पाओगे। ग्रेजुएशन में हिंदी, BEd, UTET, CTET, सेकेंड संस्कृत का सेम जैसे हिंदी का था वैसे ही है, हिंदी रहना चाहिए आपके पास संस्कृत वालों के पास। मैथ्स में PCM होना चाहिए, BEd और UTET, CTET, और इसमें आपके पास सामान्य के लिए जो इसमें है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान में आपको साइंस होना चाहिए, और सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में आपको चाहिए होता है यहाँ पर क्या, सिर्फ आपको यहाँ पर इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र जो भी होता है आपके पास, चार में से दो सब्जेक्ट होने कंपलसरी है, ठीक है। और बाकी प्रवक्ता के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन सब्जेक्ट में, BEd होना कंपलसरी है, UTET सेकंड या CTET सेकंड की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके लिए आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये 8 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला गया था, 8 से लेकर 21 डेज आप कर लीजिएगा, यानी कि 29 तारीख से पहले पहले आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। और आपको यहाँ पर जो फॉर्म मिलेगा ना, फॉर्म मिलने का जो प्रोसेसिंग है वो आपको ऑफलाइन ही मिलेगा, और मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस में मिलेगा, वो भी हरिद्वार में मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में मिलेगा, 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा। पोस्टल ऑर्डर लगाओ या बैंक से लगाओ, आप 3 सप्ताह का टाइम दिया गया है, उत्तराखंड के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे ओनली। इसमें सार्वजनिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, उत्तराखंड का कोई भी कर सकता है, उत्तराखंड के
आपके पास अगर प्रमाण पत्र है तो आप जरूर इन पर अप्लाई करें, ठीक है। बाकी सेवाजन प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए उत्तराखंड के, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप सबको मिल यहाँ लगाने पड़ेंगे। बाकी प्रोसेसिंग आपको खुद ही बता देंगे, जो विभाग में जो फॉर्म लेके जाओगे तो उस टाइम पर प्रोसेसिंग वो बता देंगे, आप पूछ लीजिएगा उनको, तो ये फॉर्म आपको वहीं मिलेंगे ऑफलाइन तरीके से, ठीक है। इन पद पर आवेदन कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं।